नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर टू की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर टू की। तो आप सभी का वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं। तो बता दूँ कि देश का टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट जो है 5 वर्षों में लगभग 2.5 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर यानी लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये बातें की गई जा रही है, जानकारी मिली है। फिलहाल देश से लगभग 40 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का टेक्सटाइल्स जो है निर्यात किया जाता है। वहीं कहा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी में स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है। लगातार रूस के हमले से जो है शेयर मार्केट, सेंसेक्स सभी स्थिति ख़राब हो रही है। और कहा जाए तो सोना का दाम में भी गिरावट आ रहा है, चांदी में भी आ रहा है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित है। हाल ही में कहा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी कि कितनी कुछ राशि जो है यूक्रेन को इकोनॉमी को सुधारने के लिए दी जा रही है। लेकिन लगातार जो है यूक्रेन की स्थिति ख़राब है। और मैं बता दूँ कि कभी भी यूक्रेन पर जो है कब्जा कर सकती है रूस। तो रूस का लगातार जो है सैनिक लगातार अपने पैर जमाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, दिन तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि और कंसल्टेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले बता दूँ EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है EPFO का निवेश का पारंपरिक तरीका है क्या और ये एक्चुअली में इससे जुड़ी जो जानकारी आ रही है वो है क्या? तो बता दूँ EPFO हर वर्ष करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करता है। पारंपरिक तरीके के अनुसार बता दूँ EPFO कुल राशि में से 45 से 50% राशि सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करता है, याद रखिएगा। उसके बाद बता दूँ तो 35 से 45% राशि डेंटल इंस्ट्रूमेंट में और 5% राशि छोटी अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। 5 से 15% राशि इक्विटी और 5% जो है तक की राशि मिश्रित निवेश करेगी। ईपीएफ में औसत जो है निवेश एक्सटेंडेड फंड की बात की जा रहा हो मैं बता दूं तो 1,37,896 करोड़ रुपये रहा है। EPFO ने भारतीय जीवन बीमा निगम को बड़ा झटका दिया है। EPFO ने LIC के पारंपरिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO में यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में निवेश से इनकार कर दिया है। EPFO ने कहा है कि व्यक्तिगत शेयर में निवेश करने के बजाय वह परंपरागत निवेश पैटर्न के तहत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए इक्विटी में निवेश कर जारी रखेगी। तो बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, तो काफ़ी बड़ा निवेश जो है होने जा रही है पारंपरिक तरीके से। हाल ही में LIC के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। क्रिप्टो से जुड़े गाइडलाइंस जो है बहुत सारे आए हैं, मतलब कहा जाए तो इस बार टफ आए हैं। तो बता दूँ कि ASCII की ओर से जारी दिशा निर्देशों की प्रमुख जो बातें सामने आई है तो बता दूँ कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है याद रखें जरूर। वीडियो प्रोडक्ट्स और एक्सचेंज से संबंधित सभी विज्ञापन का डिस्क्लेमर के साथ आएंगे। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और NFT रेगुलेटेड नहीं है और ये काफ़ी जोखिम भरे एसेट हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामकीय मदद नहीं मिलेगी। दूसरी ओर बात की जाए तो विज्ञापनों में करेंसी, सिक्योरिटीज, कस्टोडियन या डिपॉजिटरी जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये बातें आई सामने। विज्ञापनों में 12 महीने से कम रिटर्न का जिक्र नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर बात की जाए तो विज्ञापन देने वाले का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रमुखता से देनी होगी। विज्ञापन में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि वीडियो प्रोडक्ट्स पैसे से जुड़ी समस्याओं का हल जो है हो सकते हैं। वीडियो की बात की जाए तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो साधनों की बात की जाए तो विज्ञापन में मुनाफा बढ़ाने की गारंटी या वादा जैसे स्टेटमेंट नहीं होंगे। वीडियो की तुलना में ऐसे एसेट्स नहीं जाने चाहिए जो रेगुलेटेड हो। दूसरी बात की जाए तो गाइडलाइन जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ी तो देश में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। इस हिसाब से क्रिप्टो ट्रेडरों की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है। निवेशकों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करने के लिए हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज ने आक्रामक विज्ञापन देना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड के जाने माने सितारों को भी इस काम में लगा दिया गया। इसके चलते भले भाले निवेशक जो ठगे जा सके हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है चेंजिंग लाने को मिल रहा है और नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी लोग इस पर निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के विज्ञापनों में नहीं होगा करेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल। इस विज्ञापन के में बताना होगा ये बेहद रिस्की, डूबे तो कोई सरकारी मदद नहीं। 1 अप्रैल से लागू होंगे दिशा निर्देश। 15 अप्रैल से पुराने विज्ञापनों को भी लागू होंगे। क्रिप्टो से जुड़े विज्ञापनों और प्रमोशनल कंटेंट्स में करेंसी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ACI ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों में डिस्क्लेमर देना होगा कि यह काफ़ी रिस्की एसेट्स है और इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामकीय मदद नहीं मिलेगी। दरअसल देश में मान्यता ना मिलने के बावजूद क्रिप्टो एसेट्स बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी और NFT की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इससे जुड़े विज्ञापन भी आने लगे हैं जो जोखिम बढ़ गया है। इसका मकसद जो है वर्चुअल एसेट्स को लेकर जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट चलते हैं, PF में अंशदान करने पर 2 खाते खुलेंगे। ये काफ़ी बड़ा जानकारी है, जरूर देखिए इसको और लोगों को शेयर कीजिए। बता दूँ कि भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से अधिक का निवेश का अंशदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के PF खाते होंगे। कर्मचारी को PF खाते में 2.5 लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाला ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। इसी बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे। अगर किसी कर्मचारी के PF खाते 3 लाख जमा है तो 2.5 लाख तक मिलने वाला ब्याज पूर्व की तरह टैक्स मुक्त होगा। लेकिन इसके ऊपर ब्याज 50,000 की राशि सॉरी धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर कर चुकाना होगा। PF जमा पर कर की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। यह व्यवस्था लागू होने की तारीख से जिनका PF जमा 2.5 लाख से अधिक होगा नियोक्ताओं को उनका अतिरिक्त PF खाता खुलवाना होगा। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है PPPF के लिए, तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। वर्चुअल एसेट्स के विज्ञापन में जो है करेंसी जैसे शब्दों का भी जो इस्तेमाल नहीं होगा। काफ़ी बड़ी जानकारी आपको मैंने दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। भारत पे की हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जैन को जो है बर्खास्त कर दिया गया निजी कारणों से। चलिए कुछ बहुत कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको देने की बताने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा जाना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुछ और जानकारियाँ। तो कमजोर PSU बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसी कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बैंकों को सरकार जो है प्रस्तावित पूंजी सहायता का बड़ा हिस्सा मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में इस तरह के बैंकों में 15,000 करोड़ रुपये डालेगी। इससे कर्मचारी सरकारी बैंकों को नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत से विदेशों में 2020-21 में 12 करोड़ किलो मैंगो व मैंगो पल्स विदेश भेजा गया। इससे 1,000 करोड़ रुपए तक की कमाई हुई। सब्जी से ज़्यादा प्याज निर्यात होता है। देश में वर्चुअल प्याज आलू फूलगोभी बैंगन पत्ता गोभी के उत्पादन दुनिया में 2 नंबर पर है भारत। तो काफ़ी बड़ी जानकारियाँ मैंने आपको दी है, तो चलिए ये जानकारियाँ आप जरूर रखिए अपने पास। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो ये बहुत कुछ जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, और भी बहुत सारी जानकारी है देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे भी। तो भारत पे की हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जैन को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। MD ग्रोवर की पत्नी जैन को जो है बर्खास्त किया गया। फिनटेक फर्म भारत पे ने जो है ये जारी रखी है। तो संस्थापक और MD अश्विन ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन को बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने माधवी ब्रुच को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की 10वीं चेयरपर्सन नियुक्त किया है। प्राइवेट सेक्टर से आने वाली पहली SEBI जो SEBI चेयरपर्सन होंगी। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। SEBI के पूर्व चेयरपर्सन अजय त्यागी का विस्तारित कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया है। बूच ने अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट की डिग्री ली है। बता दूँ कि ICICI बैंक से करियर शुरू करने वाली बूच ने 2009 से 2011 के बीच ICICI सिक्योरिटीज के MD और कैपिटल LLP ज्वाइन करने पर सिंगापुर चली गई थी। SEBI से
जोड़ने से पहले उन्हें शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी जो है तीन टोनिक सदस्य भी रह चुके हैं। इस तरह 2002 के बाद से भी चीफ वाली पहली गैर आईएएस होंगे। तो काफ़ी बड़ा जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए आपको नई जानकारी साथ में फिर आपको मिलूंगा। सभी को तब तक के लिए नमस्कार, सवाकिया, धन्यवाद। तो चलिए आज अलविदा लेते हैं। आपको बहुत सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, आई होप। तो भारत पे की हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जी को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए कुछ जानकारियाँ थी, छोटी छोटी जानकारियाँ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी शुरू से मेहनत के साथ कर रहे होंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अनेक।